राष्ट्रीय प्रतीक। राहुल के पापा जो एक आर्मी अफसर थे वह छुट्टियों में घर आए हुए थे। एक दिन वह अपने मेडल्स और अपने यूनिफॉर्म को अलमारी में से निकालकर पहन रहे थे जिस पर अशोक चिन्ह बना हुआ था। राहुल ने उसे देख लिया और पूछा, पापा यह तीन मुंह वाला शेर आपकी टोपी बेल्ट और यूनिफॉर्म पर क्यों लगा है? बेटा यह तीन मुंह वाला नहीं चार मुंह वाला शेर है। इतना ही नहीं यह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है जो अशोक स्तंभ से लिया गया है। पापा क्या ऐसे ही कुछ और भी राष्ट्रीय प्रतीक है? मुझे भी बताओ ना। ठीक है राहुल, पहले जल्दी से तैयार हो जाओ, राजमार्ग पर हम गणतंत्र दिवस पर परेड देखने जा रहे हैं। हाँ पापा अभी आया। राहुल तैयार होकर, चलिए पापा मैं तैयार हो गया। पापा परेड स्थल पर, वह देखो राहुल हमारा राष्ट्र ध्वज, यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री इसे फहराएंगे। यह राष्ट्र ध्वज भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। पापा प्रधानमंत्री जी कितनी देर में आएंगे? थोड़ी देर में बेटा, देखो प्रधानमंत्री जी आ गए। अभी आगे क्या होगा पापा? अभी झंडोत्तोलन के साथ राष्ट्रगान होगा। राहुल खड़े हो जाओ, हमारा राष्ट्रगान शुरू होने वाला है। राहुल खड़े होकर सभी लोग राष्ट्रगान सुन रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे। राहुल बैठने के बाद, पापा यह जन गण मन ही हमारा राष्ट्रगान है, यह बहुत अच्छा है। मैं इसे जब भी सुनता हूँ रोमांचित होता हूँ और बहुत गर्व महसूस करता हूँ। हाँ बेटा ये हमारा राष्ट्रगान है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। पापा हमारे झंडे में तो तीन रंग हैं और बीच में एक चक्र भी है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। क्या तुम्हें पता है राहुल, सबसे ऊपर झंडे का केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। और सफेद और हरा रंग? हाँ सफेद रंग शांति का और हरा रंग देश में हरियाली का प्रतीक है। पापा वह सफेद पट्टी के बीच में बना चक्र किसका प्रतीक है? हाँ बेटा यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने। यह चक्र हमारे देश की उन्नति का प्रतीक है। वह देखो पापा वह झांकी निकल रही है जिस पर पशु पक्षी और पुष्प तथा हमारा राज चिन्ह अशोक स्तंभ भी दिख रहा है। हाँ बेटा यह सबसे पहली झांकी है, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। देखो इसमें सबसे आगे बाघ है, यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। पापा वह बीच में कमल का पुष्प क्यों लगा है? राहुल यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, यह लो दूरबीन से देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना? हाँ पापा और उसके पीछे वह मोर, शायद वह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हाँ राहुल बिल्कुल सही, यह मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद, अरे दूर लंबा सा वह अशोक स्तंभ भी दिख रहा है। अच्छा राहुल क्या तुम बता सकते हो कि हमारे देश का झंडा किन दो मुख्य दिनों पर फहराया जाता है? हाँ पापा वह दो मुख्य दिन है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर और 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस पर। अरे वाह राहुल तुम्हें तो बहुत कुछ मालूम है। हाँ पापा यह सब आपने ही तो सिखाया है, यह झांकी देखने के बाद हम कहाँ जाएंगे? यह झांकी देखकर हम घूमने जाएंगे राहुल। अरे वाह फिर तो बहुत मजा आएगा। और हम आइसक्रीम भी खाएंगे पापा। पापा हंसते हुए, हाँ हाँ राहुल जरूर खाएंगे।